तो अभी जो आने वाला समय है वो भारतीय जनता पार्टी के लिए कोई बहुत अच्छी स्थिति नहीं दिखा रहा। ये कॉम्बिनेशन इंडिकेट कर रहा है कि कोई बड़े बीजेपी लीडर की जो हेल्थ है उसको थ्रेट है, उनको जो है कोई ना कोई खतरा है। अभी लोगों की का विश्वास, लोगों का जो फेथ था, जो ट्रस्ट था पार्टी पे, वो और कम होता हुआ दिखाई देगा। नमस्कार फ्रेंड्स, मैं हूँ एस्ट्रोलॉजर और वास्तु कंसल्टेंट रिधि बहर। जिस तरह से अभी देश के हालात हैं, आप में से बहुत से लोगों ने मुझसे पूछा कि क्या कारण हुआ कि ऐसी स्थिति आई, क्यों जो है रूलिंग पार्टी जो है वो सिचुएशन को पहले से एंटिसिपेट नहीं कर पाई, उसको सही से एनालाइज नहीं कर पाई, और ऐसी स्थिति में जो सरकार है उसका क्या भविष्य है, बीजेपी एज अ पार्टी का क्या फ्यूचर है। तो उसके लिए सबसे पहले हम बीजेपी की कुंडली को एनालाइज करते हैं। किसी भी पार्टी की या किसी भी संस्था की हॉरोस्कोप बनाते हैं उस समय की, उस वो समय लेते हैं जब वो संगठन या जब वो पार्टी जो है वो या ऑर्गेनाइजेशन जो है वो शुरू हुई या उसका संगठन हुआ। तो बीजेपी जो है वो अटल बिहारी वाजपेयी जी और अडवाणी जी ने जो है 1980 6 अप्रैल 11:45 पे इसका संगठन किया था। उससे पहले जो है ये भारतीय जनसंघ थी। सो भारतीय जनता पार्टी मतलब बीजेपी जो एग्जिस्टेंस में आई वो 6 अप्रैल 1980 को आई। तो अभी कुंडली आप देखिए, ये जो है मिथुन लग्न की कुंडली बन रही है। लग्न का स्वामी जो है वो 9th हाउस में है, नवम भाव में है, राहु केतु एक्सेस में है। गुरु मंगल और शनि तीनों ही वक्रीय हैं और तीनों ही जो है इसको एस्पेक्ट कर रहे हैं, मरकरी को एस्पेक्ट कर रहे हैं। मैं ज्यादा डिटेल में कुंडली का एनालिसिस नहीं करूंगी, जो अभी की प्रेजेंट सिचुएशन है हम उस पे आते हैं। तो किसी भी सिचुएशन को एनालाइज करने के लिए या कोई भी प्रिडिक्शन करने के लिए सबसे पहले जो चीज हम देखते हैं वो है दशा, कि उस समय की दशा क्या चल रही है। तो भारतीय जनता पार्टी की जो है अभी चंद्रमा की महादशा चल रही है। 2018 में ये महादशा शुरू हो गई थी और 2028 तक चलेगी। अब चंद्रमा देखिए 6th हाउस में, 6th हाउस में चंद्रमा बैठे हुए हैं, मंगल जो है वो चंद्रमा को एस्पेक्ट कर रहे हैं, और 12वें घर से शुक्र अपने ही घर से जो है वो बैठ के चंद्रमा को देख रहे हैं। तो ये जो है ऑल्दो ये चंद्रमा जो है वो नीच के चंद्रमा है, तो कुछ पॉजिटिव्स भी हैं इस दशा में और कुछ नेगेटिव्स भी हैं इस दशा में। ये सवाल मुझसे बहुत से लोग पूछते हैं कि जी अगर हमारा शुक्र उच्च का है फिर भी हमारे साथ जो है सब कुछ अच्छा नहीं हो रहा है, कुछ गड़बड़ हो रहा है, या हमारे आगे आने वाली जो दशा है वो नीच के ग्रह की है, तो इसका मतलब क्या हमारे साथ सब कुछ गलत ही होगा? ऐसा नहीं होता है। एक ग्रह जो है कुछ अच्छी चीजें भी देता है और कुछ खराब चीजें भी देता है। अभी मैं आपको एनालाइज करके बताऊंगी तो आपको समझ में आएगा किस तरह से जो है हमें इसका एनालिसिस करते हैं। तो ये जो चंद्रमा है, क्योंकि ये मंगल से एस्पेक्टेड है और शुक्र भी इसको देख रहा है और छठे घर में बैठा है, छठा घर जो है छठा घर कंपटीशन का घर है। जब बीजेपी की चंद्रमा में मंगल की अंतरदशा आई 2019 में, तो चंद्रमा और मंगल जो कि छठे घर से संबंध बना रहे हैं, इन्होंने पार्टी की मदद किस तरह से करी? पार्टी को फुल मेजोरिटी में लाके। तो बीजेपी ने अपनी गवर्नमेंट बनाई फुल मेजोरिटी में आई। चंद्रमा तब महादशा थी चंद्रमा की और अंतरदशा थी मंगल की। तो मंगल का कनेक्शन जब भी छठे घर से होता है तो वो कंपटीशन के लिए बहुत ही अच्छा माना गया है। तो यहां पे मंगल अपने ही घर को देख रहे हैं और 6th हाउस जो है वो काफी स्ट्रांग हो गया, पर छठा घर जो है वो बीमारी का भी घर है। अब अगर आप लग्न से देखेंगे तो लग्न से छठे घर का स्वामी जो है वो मंगल है। अगर आप दशानाथ यानी कि चंद्रमा को लग्न बना के देखेंगे, ज्योतिष की एक बड़ी अच्छी क्लासिक किताब है फल दीपिका। फल दीपिका बड़ी क्लियरली ये कहती है कि जब भी आप एनालिसिस कर रहे हैं कुंडली का, तो लग जो दशा चल रही है उसको लग्न बना के भी एनालाइज करिए और फिर देखिए आपको जो है सिचुएशन जो है बड़े आराम से और बड़े क्लियरली समझ में आएगी। तो अगर वही चीज हम यहाँ पे करते हैं, हम जो है चंद्रमा को लग्न बना के देखते हैं
तो भी मंगल जो है वो छठे घर का स्वामी आ रहा है, तो लग्न से भी सिक्स्थ और चंद्र कुंडली से या दशानाथ से भी सिक्स्थ लॉर्ड बन रहा है मंगल। अब सिक्स्थ हाउस से जो सिक्स्थ लॉर्ड है वो बीमारी का भी कारक है। चंद्रमा में मंगल की दशा 2019, 2019 में अगर आप देखेंगे तो बीजेपी ने तीन बहुत बड़े लीडर्स खोए बीमारी के कारण, सुषमा जी, अरुण जेटली जी, मनोहर पर्रिकर जी, इन सब की जो है इन सबको हमने खोया, एंड द रीजन वॉज देयर इल हेल्थ। तो यही दशा ने देखिए इनको पावर भी दिया, पर इस दशा ने इनको जो है इस तरह से लॉस भी दिया। अब हम एग्जिस्टिंग टाइम फ्रेम में आते हैं कि जो अभी जो सिचुएशन चल रही है, अभी 18 मार्च 2021 से चंद्रमा में राहु की अंतरदशा शुरू हो गई है, जो कि जुलाई 2022 तक चलेगी। अब आते हैं हम दूसरी कुंडली यानी कि वर्षफल पे। वर्षफल इज एनुअल चार्ट। एनुअल चार्ट से हम जो है साल भर में होने वाली चीजों का प्रिडिक्शन करते हैं। तो बीजेपी की जो मैंने एनुअल चार्ट बनाई है, आप लोग देख सकते हैं जो एनुअल चार्ट है इसको देखिए, इसमें जो है लग्ना लॉर्ड बुध जो है वो नीच का है, वो 10वें घर में नीच के होके बैठे हैं। शनि 8वें घर से, अब 8वां घर जो है वो सबसे खराब घर माना जाता है ज्योतिष में। 8वां घर जो है वो घर है सडननेस का, अचानक से हुई चीजों का। 8वां घर जो है वो घर है षड्यंत्र का, कॉन्स्पिरसी का, बदनामी का, इमेज आपकी खराब होने का, लॉस ऑफ रेपुटेशन का। तो यहां पर जो है शनि जो है 8वें घर से बैठ के लग्न के स्वामी जो कि खुद नीच के हैं उनको देख रहे हैं, और चंद्रमा को भी देख रहे हैं जो कि दशानाथ हैं। तो ये क्लियरली इंडिकेट कर रहा है कि लॉस ऑफ रेपुटेशन होगा, सडनली चीजें होंगी, कॉन्स्पिरसी होंगी, ऐसी चीजें होंगी जो कि हमने एक्सपेक्ट भी नहीं की थी वो हो जाएंगी और उनको हम हैंडल नहीं कर पाएंगे, चाहे वो किसान आंदोलन रहा हो, चाहे ये जो अभी की प्रेजेंट सिचुएशन है वो है। इसके अलावा मंगल और राहु दोनों के दोनों जो है 12वें घर में बैठे हैं। 12वां घर जो है वो लॉस का घर है, और वैसे भी मंगल और राहु का एक साथ आना कोई बहुत अच्छी स्थिति नहीं बताता है। चाहे वो इंडिया की कुंडली में ये कॉम्बिनेशन लग्न में बन रहा था, तो इंडिया की कुंडली से भी अगर देखेंगे तो ये कोई बहुत अच्छी सिचुएशन को डिपिक्ट नहीं कर रहा है। और बीजेपी की कुंडली में भी अगर आप देखेंगे जो वर्षफल की कुंडली है उसमें 12वें घर यानी कि लॉस के घर में है, तो ये एज इट इज लॉस की सिचुएशन भी शो कर रहा है। अभी की जो प्रेजेंट सिचुएशन है जो वर्षफल और जो ट्रांजिट है जो हमें बता रहा है वो ये है कि जो लोग जो है लोगों में एक अविश्वास बढ़ रहा है सरकार के लिए, उसका रीजन जो है वो ये है। राहु जो है वो प्लैनेट है कन्फ्यूजन्स का, भ्रमित करता है, कन्फ्यूजन क्रिएट करता है। और मंगल जो है वो वैसे भी बीजेपी की कुंडली में भी और वर्षफल में भी देखिए छठे घर का स्वामी है, छठा घर बीमारी का घर है, तो बीमारी को लेकर कन्फ्यूजन हुआ, ऐसा लगा कि हमने जो है बीमारी पे कंट्रोल कर लिया है, वैक्सीन आ गया है तो हम जो है हम थोड़े से रिलैक्स हो गए, हमें कंफ्यूजन रहा, पर ऐसा हुआ नहीं। उसके अलावा जुपिटर जो कि सप्तमेश है, 7th लॉर्ड है, वो लग्न को एस्पेक्ट कर रहा है, और सैटर्न 8वें घर से बैठ के लग्ना लॉर्ड नीच के लग्ना लॉर्ड को एस्पेक्ट कर रहा है, और मार्स 12वें घर से बैठ के सप्तमेश को एस्पेक्ट कर रहा है। ये कॉम्बिनेशन कोई बहुत अच्छी चीज फिर से इंडिकेट नहीं कर रहा है। ये कॉम्बिनेशन इंडिकेट कर रहा है कि कोई बड़े बीजेपी लीडर की जो हेल्थ है उसको थ्रेट है, उनको जो है कोई ना कोई खतरा है, विच नीड्स टू बी टेकन केयर। अब आप देखिए भारत की कुंडली। भारत की कुंडली में अष्टमेश गुरु जो है वो 10वें घर में गोचर कर रहे हैं। मुझसे आप में से किसी ने कमेंट बॉक्स में ये पूछा था कि जी जुपिटर जो है वो अब नीच की राशि से निकल के कुंभ राशि में आ गए हैं, और कुंभ राशि का गुरु तो बहुत अच्छा होता है,
तो ये तो बहुत अच्छी प्लानिटरी चेंज हुआ है, तो फिर ये सिचुएशन अच्छा क्यों नहीं कर रहा है, ये इसका रिजल्ट हमें अभी अच्छा देखने को क्यों नहीं मिल रहा है। सो देखिए, बिल्कुल जुपिटर जो है एक्वेरियस का, कुंभ का बहुत अच्छा होता है, पर वो कहाँ का लॉर्ड है, वो किस घर का स्वामी है, इस पे बहुत कुछ निर्भर करता है। तो गुरु जो है भारत की कुंडली में आठवें अष्टम घर का स्वामी है। विरहद संहिता, जो कि मंडेन एस्ट्रोलॉजी की एक बहुत ही अच्छी क्लासिक किताब है, उसमें ये साफ लिखा हुआ है कि जब जब अष्टमेश 10वें घर में या दशम भाव पे गोचर करेगा, तो वो समय देश के शासक के लिए और जो रूलिंग पार्टी है, जो पार्टी पावर में है, उसके लिए अच्छा नहीं होगा। एंड दैट इज व्हाट एग्जैक्टली इज हैपनिंग राइट नाउ। और अभी जो है ये दशा अप्रैल 2022 तक चलेगी। तो अभी जो आने वाला समय है वो भारतीय जनता पार्टी के लिए कोई बहुत अच्छी स्थिति नहीं दिखा रहा है। अभी लोगों की का विश्वास, लोगों का जो फेथ था, जो ट्रस्ट था पार्टी पे, वो और कम होता हुआ दिखाई देगा। अभी हम और कुछ कॉन्स्पिरसीज, कुछ स्कैंडल्स या कुछ सडनली खबरें सुनने को हमें मिलेंगी, जो कि बहुत अच्छी चीज, जो बहुत अच्छी पार्टी की इमेज को नहीं बताएंगी, बल्कि पार्टी की इमेज जो है वो थोड़ी अभी खराब और होगी। सो ये मैंने बीजेपी की कुंडली, बीजेपी की कुंडली के वर्षफल की कुंडली और भारत की कुंडली जो है, तीनों को एनालाइज करके आपके सामने जो है ये थोड़ी छोटी सी मेरी रिसर्च जो है उसको प्रेजेंट किया है। मैं आप लोगों के फीडबैक का वेट करूंगी। टाइम टाइम पे आप लोगों ने मुझसे बहुत से सवाल पूछे हैं और बहुत सा फीडबैक भी दिया है। सो आई एम वेटिंग फॉर योर फीडबैक एंड होपिंग दैट यू ऑल टेक गुड केयर ऑफ योर सेल्फ। नमस्कार।